हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग कंसोलिडेशन सेटलमेंट। मतलब के एससी को फाइंड आउट करने के लिए हमें कौन कौन से मेथड्स के ऊपर बात करनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले कुछ कंडीशन समझनी होगी। हालांकि हमने इसको पहले भी प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा हुआ है जो अभी पढ़ने वाले हैं। अगर हमारा जो सॉइल का स्ट्रेटम है और उसकी थिकनेस जो है, सपोज हम मान के चले कैपिटल एच है, अगर वो फुली कंसोलिडेटेड है, अगर वो फुली कंसोलिडेटेड है किस कंडीशन में, अंडर अ प्रेशर इंक्रीमेंट डेल सिग्मा डैश, तो उस कंडीशन में जो आपका कंसोलिडेशन सेटलमेंट एससी होगा वो क्या होगा, वो इतना होगा। एससी यानी के आपका कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो कि किसके बराबर होगा, स्मॉल एम वी डॉट एच डॉट डेल सिग्मा डैश के बराबर होगा। ये नेट प्रेशर इंक्रीमेंट है, प्रेशर इंक्रीमेंट है आपकी जो भी थिकनेस है सॉइल की, फुली सैचुरेटेड है, फुली कंसोलिडेटेड है, तो उस कंडीशन में आपका जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट है वो कुछ इस तरीके से फाइंड आउट होगा। ठीक है, वेयर वेयर एम वी इज वॉट, एम वी इज वॉट कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम चेंज, कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम चेंज। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, दिस इज ऑन द अजम्पशंस दैट द प्रेशर इंक्रीमेंट डेल सिग्मा वार इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली ओवर द थिकनेस कैपिटल एच। बट अगर आपका जो फाइनाइट सरफेस लोडिंग होगा, अगर आपका फाइनाइट सरफेस लोडिंग होगा तो वहां पे जो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर इंक्रीमेंट होगी वो लगभग लगभग रिड्यूस होगी डेप्थ के रेफरेंस में। और वहां पे किस मैनर में रिड्यूस होगी, एक नॉन लीनियर मैनर में होगी। तो उस कंडीशन में आपको कंसोलिडेशन सेटलमेंट यानी के कंसोलिडेशन सेटलमेंट अगर आपको किसी भी एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ थिकनेस डीजेड की फाइंड आउट करनी होगी तो आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, डेल सिग्मा डेल एस सी, मतलब आपको एक स्मॉल एलिमेंट की करनी है। ठीक है, जिसकी थिकनेस कितनी होने वाली है, डीजेड होने वाली है। तो वहां पे जब आपका इफेक्टिव प्रेशर का इंक्रीमेंट होगा तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एम वी डॉट डेल सिग्मा डैश इंटू डीजेड। जब आपका नॉन लीनियर मैनर में आपका प्रेशर का इंक्रीमेंट क्या होएगा, रिड्यूस होएगा डेप्थ के बेसिस पे, तो उस कंडीशन पे आप क्या कंसिडर करोगे, एक थिकनेस कंसिडर करोगे जहां पे नेट प्रेशर का इंक्रीमेंट इतना होगा। उस कंडीशन में आप जो सेटलमेंट कंसोलिडेशन है उस पर्टिकुलर लेयर का जिसको आपने कंसिडर किया है वो इतना होगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो आप टोटल थिकनेस ऑफ लेयर से, तो क्या हो जाएगा, एस सी इज इक्वल टू 0 to h, ये हो जाएगा एम वी, ये हो जाएगा डेल सिग्मा डैश, ये हो जाएगा और डी जेड हो जाएगा। आप इन वो कर दो इंटीग्रेट कर दो उस पूरी की पूरी लेयर को, जिस लेयर की थिकनेस कितनी है डी जेड, जहां पे आप प्रेशर कितना इंक्रीमेंट कर रहे हो डेल जेड डैश कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये देखिए जो आपका एम वी है और डेल सिग्मा वार है ये क्या है, आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वेरिएबल्स है। तो जब आप इंटीग्रेशन आप परफॉर्म आप यहाँ पे दो तरीके से कर सकते हो, चाहे तो न्यूमेरिकली भी कर सकते हो या फिर ग्राफिकली भी कर सकते हो। जब आप न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन करते हो तब आप क्या करोगे, पूरी की पूरी जो टोटल थिकनेस है एच है उसको डिवाइड कर दोगे इंडिविजुअल थिन लेयर से, अलग अलग लेयर से। तब जबकि आपका प्रेशर का इंक्रीमेंट डेल सिग्मा बार कहाँ पे होगा, आपके हर लेयर के मिड पे होगा, और वो प्रेशर आपका एवरेज प्रेशर बता रहा होगा, इंक्रीमेंट की वैल्यू वो एवरेज बता रहा होगा। हर लेयर में जो आप सेटलमेंट कंप्यूट करोगे वो इस इक्वेशन से कंप्यूट करोगे, और जो टोटल सेटलमेंट है जो एच थिकनेस का जो टोटल सेटलमेंट है वो किस तरीके से फाइंड आउट होगा, जब आप इंडिविजुअल हर लेयर को जब सम करोगे तो वो टोटल लेयर के सेटलमेंट से हो जाएगा। ठीक है,
अब एक फाइनल सेटलमेंट एक और रिलेशनशिप से भी फाइंड आउट होता है, किस तरीके से, डेल एच अपॉन एच इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई अपॉन वन प्लस ई नॉट, वेयर डेल एच इज वॉट चेंज इन थिकनेस एच, ठीक है ना, एच के रिस्पेक्ट में ये जितना भी चेंज हो रहा है, ठीक है, ई नॉट मीन्स वॉट इनिशियल वॉइड रेशियो करस्पॉन्डिंग टू द इनिशियल प्रेशर डेल सिग्मा नॉट बार, ठीक है ना, ये इनिशियल वॉइड रेशियो है। E का मतलब क्या है, वॉइड रेशियो एट इंक्रीज्ड प्रेशर सिग्मा बार। तो इस कंडीशन में जो आपका एस सी होगा वो क्या किसके बराबर होगा, डेल एच के बराबर होगा, और डेल एच बराबर कितना हो जाएगा, ई नॉट माइनस ई वन प्लस ई नॉट इन टू एच। अगर अगर आप ई नॉट माइनस ई को सब्सटीट्यूट कर दो कंप्रेशन इंडेक्स, कैसे, कंप्रेशन इंडेक्स सीसी से, तो वहां पे आपका जो एससी की वैल्यू है, एससी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी, आपकी हो जाएगी सीसी डॉट एच वन प्लस ई नॉट, वेयर 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 सिग्मा डैश इज व्हाट, सिग्मा नॉट डैश प्लस डेल सिग्मा बार। तो इस तरीके से आप अलग अलग मेथड से आप कंसोलिडेशन सेटलमेंट को फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।